वीर प्रभु की अंतिम वाणी उतरा दयानी को खोलो, जय जिने वाणी बोलो, जय जिने वाणी बोलो, उतरा दयन में गुंजित होती, उतरा दयन में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिने वाणी बोलो, जय जिने वाणी बोलो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो रि सुना लो, जय जिने वाणी बोलो, जय जिने वाणी बोलो, मंगलकारी भव भयहारी जिन वाणी का है शरणा, इसके आराधन से निश्चय ही मिटता जन्म व मरना, पाप कर्म को छोड़ के अब तो, पाप कर्म को छोड़ के अब तो जिने वाणी के बोलो, जय जिने वाणी बोलो, जय जिने वाणी बोलो, जिने वाणी का हर अक्षर ही अक्षर आनंद दाता, शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेश मिल जाता, हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो, जय जिने वाणी बोलो, जय जिने वाणी बोलो, छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता आगम सच्चा शरणा, हम भी जीवन पावन कर ले, हम भी जीवन पावन कर ले, इधर उधर मत डोलो, जय जिने वाणी बोलो, जय जिने वाणी बोलो, जिसमें होता तीर्थ का पोषण जो है साधक साला, हे ये और गेय और उपाधे का मिलता मिलता बोध निराला, महावीर की श्रेष्ठ निशानी, महावीर की श्रेष्ठ निशानी जिन वाणी को पी लो, जय जिने वाणी बोलो, जय जिने वाणी बोलो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी उतरा दयन को खोलो, जय जिने वाणी बोलो, उतरा दयन में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिने वाणी बोलो।
वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय चिन्ह। वेरी नाइस। शुरू करना है अध्ययन? हाँ जी। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो उवझायानम नमो लोए सवसाहूनम ऐसो पंच नमो करो सव पापनाशनो मंगलानंच सवेसिं परमं हवई मंगलम परमं हवई मंगलम। पंच परमेश्वरी भगवान के चरणों में कोटि कोटि भाव वंदन। आप सभी को जय जिनेन्द्र। हमारा उत्तरायण सूत्र का जो आगम चल रहा है उसी श्रृंखला में आज से हम 29वां अध्ययन 29th चैप्टर शुरू करेंगे, जिसका नाम है सम्मत्त परकम में, अर्थात सम्यक्त्व पराक्रम। भगवान मोक्ष में जाने, तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी मोक्ष में जाने के पहले हमको उत्तरायण सूत्र फरमा गए हैं और उसमें सभी अध्ययन इंपॉर्टेंट है और सभी अध्ययन जीवन को ऊंचा उठाने वाले हैं, लेकिन ये जो अध्ययन है ये सभी आगमों का सार है, ऐसा भी कहा जा सकता है। तो जैसे नाम से पता चलता है कि सम्यक्त्व पराक्रम, सम्यक्त्व का अर्थ होता है सही दिशा और पराक्रम का अर्थ होता है पुरुषार्थ। तो भगवान फरमा रहे हैं कि पुरुषार्थ दो प्रकार के हैं, एक गलत दिशा वाला और एक सही दिशा वाला। अनंत काल से हमारी आत्मा ने आज तक, मतलब अनंत काल से मिथ्या पराक्रम ही किया है। मिथ्या मतलब पुरुषार्थ तो बहुत किया लेकिन दिशा गलत थी, और दिशा गलत होने के कारण से हमारी आत्मा सुखी नहीं बन पाई, हम सुखी नहीं बन पाए। हो सकता है कि इस मनुष्य गति में जो हमको अभी मनुष्य भव मिला है उसमें पौद्गलिक सुख हमें मिला होगा या अभी वर्तमान में हमको मिला होगा, लेकिन भविष्य में अगर इस भव में हम पापों का सेवन करेंगे तो भविष्य में हमारे लिए दुर्गति खड़ी है। और सिर्फ फिर एक भव दुर्गति का नहीं होगा, फिर अनंत काल तक हमको दुर्गतियों में भटकना पड़ेगा। किसके कारण से? सम्यक्त्व पराक्रम का त्याग कर मिथ्या पराक्रम करने से, जो कि हमने अनादि काल से किया हुआ है। अब इस भव में हमको समझना है और श्रद्धा करना है कि गलत क्या है और सही क्या है। तो अध्ययन की शुरुआत करते हुए अब इस अध्ययन को और हर एक बात के ऊपर जितना चाहे उतना विस्तार किया जा सकता है, लेकिन समय की मर्यादा होने के कारण हम जितना मेन पॉइंट से उतना देखेंगे। अब अध्ययन की शुरुआत करते हुए ये जो वाचनी है ये सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी को फरमाई। तो सुधर्मा स्वामी 14 पूर्व के ज्ञाता है, अर्थात वे श्रुत केवली है, मतलब उतना ज्ञान है या विषयों का उस तरह से विश्लेषण कर सकते हैं जिस तरह से केवली भगवान करते हैं। लेकिन फिर भी शुरुआत कैसे करते हैं? सुयम में आउसम तेनम भगवाया भगवया एवं अखायम, मतलब हे आयुष्यमान अर्थात हे जम्बू, मैंने सुना है किससे? भगवान महावीर स्वामी से, जो फिर उनका आगे वर्णन दिया कि वे काश्यप गोत्र आदि के हैं। तो मैंने भगवान महावीर स्वामी से सुना हुआ है, मतलब जो भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये मेरे मन की बात नहीं है, ये मैंने बड़ों से सुनी हुई है, गुरु की सेवा कर मैंने प्राप्त किया हुआ है। और वे गुरु कैसे हैं? वे वितरागी है और केवली है, तो राग और द्वेष नहीं होने के कारण और संपूर्ण ज्ञान, अनंत ज्ञान होने के कारण आगे जो भी कथन किया जाएगा उसमें 1% तो क्या 0.0001% भी असत्य वचन नहीं होगा, और जितने भी वचन होंगे वो एकांत रूप से हमारी आत्मा के हित के लिए होंगे। तो इससे हमको विनय प्रतिपत्ति, मतलब गुरु भगवंतों का महात्म्य किस तरह से रखा जा सकता है, रखा जाता है,
उसकी प्रेरणा मिलती है कि स्वयं 14 पूर्व के ज्ञाता होते हुए भी सुधर्मा स्वामी जब जम्बू स्वामी को वाचनी फरमा रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं कि मैंने भगवान महावीर स्वामी से सुना है। आगे कहते हैं कि भगवान महावीर ने ये फरमाया है, आगे जो ये अध्ययन बताया है उसके ऊपर जो श्रद्धा करता है, श्रद्धा मतलब भगवान की वाणी के ऊपर श्रद्धा करना, विश्वास रखना, फिर पतयिता मतलब सतयिता पतयिता प्रतीति करता है, प्रतीति मतलब कुछ बातें ऐसी है जो पुण्य पाप जो और कोई और भी जो तत्व है जो उदाहरणों के माध्यम से हेतुओं से समझ पूर्वक समझे जा सकते हैं कि हाँ इस कार्य का फल अमुक हुआ, अमुक व्यक्ति गरीब क्यों हुआ, अमुक व्यक्ति अमीर क्यों हुआ, अमुक व्यक्ति के जीवन में सुख क्यों आया, दुख क्यों आया, तो ये एग्जाम्पल से या लॉजिक से समझा जा सकता है, उसको कहते हैं प्रतीति। और पहला जो था वो श्रद्धा है, श्रद्धा मतलब कुछ ऐसे तत्व है जिनको हम लॉजिक से नहीं समझ सकते, नहीं समझा सकते हैं, जैसे धर्मास्तिकाएं आंखों से दिखती नहीं, लेबोरेटरी में प्रूफ भी नहीं किया जा सकता, आत्मा आंखों से दिखती नहीं है, तो वो श्रद्धा करनी होती है। फिर है प्रतीति, युक्ति युक्त एग्जाम्पल्स के द्वारा जो समझा जा सकता है। फिर है रोएमी, रोएमी अर्थात रुचि, अब मैंने श्रद्धा तो कर ली है भगवान की वाणी के ऊपर लेकिन अब मुझे उस तरह का आचरण करने की अभिलाषा उत्पन्न हुई है, मतलब मैं अब त्याग के मार्ग पर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि समझ होना एक बात है और त्याग के मार्ग पर बढ़ना अलग बात है, क्योंकि त्याग के लिए मन को और अधिक मारना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है, निग्रह करना पड़ता है त्याग की भावना बढ़ाने के लिए, तो इसलिए आगे है रोएमी। फिर है फासेमी, मतलब उस मार्ग को स्वीकार करना, रोएमी में डिसाइड कर लिया कि मुझे अब आगे बढ़ना है, फासेमी में मैंने व्रतों को ग्रहण कर लिया है, पालेमी में मैं अब उन ग्रहण किए हुए व्रतों को निर अतिचार पूर्वक पालन करूंगा, तीरित्ता मतलब मैं उसको तीर तक पहुंचाऊंगा, जितने टाइम के लिए लिया हुआ है, जिस स्वरूप में लिया हुआ है, जितना त्याग किया हुआ है, जो भी आगार है उसको याद रखकर उस लिए हुए व्रत को तीर तक पहुंचाऊंगा, मतलब पार पाड़ूंगा। कित्तयित्ता कीर्तन करूंगा, मुझे संसार के भावों की का कीर्तन नहीं करना है, धन का कीर्तन नहीं करना है, बल्कि जो मैंने व्रत लिए है, त्याग लिए है, उसका मुझे कीर्तन करना है, तीर्थंकर और ऐसे महापुरुषों का मुझे कीर्तन करना है। फिर सोहित्ता मतलब शुभ, अशुभ अगर कुछ हुआ होगा व्रत पालन करते समय, अगर कुछ अशुभता आई होगी, अतिचार लगे होंगे, तो अशुभ से शुभ में आना है, एक बात ये हुई। और दूसरा अर्थ है कि उत्तरोत्तर मतलब अधिक से अधिक मेरी आत्मा के गुणों को शुद्ध करना है, आत्मा को शुद्ध करना है, मतलब उत्तरोत्तर आत्मा को ऊपर लेकर जाना है गुणों के माध्यम से। फिर आराधिता मतलब आराधना करना है, आनाए अनुपालिता भगवान के आज्ञा के अनुसार ही पालन करना है, और बार बार पालन करना है, एक बार नहीं, जितनी भी बार व्रत लिए है उतनी बार पालन करना है इस तरह से। और मुख्य रूप है आनाए अनुपालिता भगवान की आज्ञा अनुसार, मेरी इच्छा से नहीं और मेरे मन से नहीं, मतलब मैंने व्रत ले लिया भाई पांचवा आ रहा है तो इस व्रत को इस तरह से भी पाला जा सकता है, अमुक अमुक तर्क वितर्क कर व्रतों का पालन नहीं करना है, जैसा भगवान ने व्रतों का स्वरूप बताया है उस तरह से पालन करना है। और एक बात है, मालिक बनकर व्रतों का पालन करना है, नौकर बनकर या बेगार बनकर व्रतों का पालन नहीं करना है, बल्कि मालिक बनकर करना है। जब मालिकी होती है तो उस वस्तु का अच्छी तरह से ध्यान रखा जाता है 24 घंटे, तो जब हम व्रत के मालिक बनेंगे, नौकर नहीं मालिक बनेंगे, तो व्रतों को अच्छी तरह से पाला जा सकता है। और इस तरह से जो करेगा वो क्या होगा, या वो जीव सिज्जंती बुज्जंती मुच्छंती, सिद्ध होगा मतलब सिद्धत्व को प्राप्त करेगा, बुद्ध होगा मतलब केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त करेगा, मुक्त होगा मतलब चार अघाती कर्मों से या अभी टोटल 8 कर्मों से मुक्त हो जाएगा, परिनिर्वाण को प्राप्त करेगा मतलब शीतलीभूत हो जाएगा,
क्योंकि अब उसके आठों कर्म क्षय हो चुके हैं, तो आत्मा शीतलीभूत हो चुकी है, परिनिर्वाण को प्राप्त कर चुकी है। इस तरह से वो सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक दुखों का छेदन भेदन कर देगा, अर्थात मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। तो ये हुआ। फिर आगे 73 प्रश्न दिए हुए हैं, 73 क्वेश्चंस है जो भगवान को पूछे गए और भगवान ने उत्तर दिया। वैसे तो उत्तरायण सूत्र जो है वो बिना अपुट्ठ वागरना है। अपुट्ठ वागरना मतलब अपुट्ठ, बिना पूछा हुआ वागरना कहा गया। भगवान को बिना प्रश्न पूछे ही भगवान ने इस अध्ययन का, इस आगम का कथन किया है, उसको बोलते अपुट्ठ वागरना। लेकिन जिसने भी उत्तरायण सूत्र की रचना करी तो इस 29वें अध्ययन को क्वेश्चन आंसर फॉर्म में उसको स्थापित किया है, रचना करी है। तो इसमें 73 क्वेश्चन है। अब पहला क्वेश्चन है, संवेगम बनते जीवे किम जनई, हे भगवान संवेग से जीव को क्या प्राप्त होता है। संवेग अर्थात मोक्ष की तीव्र अभिलाषा, संवेग अर्थात संसार के जो दुख है उससे उद्विग्न हो जाना, अब उससे बोर हो जाना, अब उससे कंटाला आ जाना, और सिर्फ दुख से नहीं बल्कि सुखों से भी कंटाला आ जाना। दुख से तो जीव को कंटाला आता है लेकिन सुख से नहीं आता है, और दुख से भी उसको लगता है कि भाई जैसे पहले कहा कि ये मनुष्य भव मिला है या आगे देवगति मिलेगी तो मैं सुखी रहूंगा। भगवान फरमाते हैं ये जो साता के भव है वो अति अल्प होते हैं, प्राह्य कर जीव नरक में दुख भोगता है और तिर्यंच गति में दुख भोगता है और थोड़ा बहुत देव आदि गतियों में चला जाता है। तो संवेग अर्थात मोक्ष की तीव्र अभिलाषा और संसार के दुखों से और सुखों से उद्विग्नता प्राप्त कर लेना कि भाई अब मुझे ये संसार में भटकना नहीं है, भ्रमण नहीं करना है। तो इस संवेग से जीव को क्या लाभ होता है, तो अनुत्तरम धम्म सद्धम जनई, अनुत्तर धर्म श्रद्धा की प्राप्ति होती है। मतलब ऐसी श्रद्धा जो उसको पहले कभी नहीं हुई, ऐसा सम्यक्त्व उसको प्राप्त हो जाता है। सम्यक्त्व अर्थात सच्ची दिशा उसको प्राप्त हो जाती है। अब उसकी जो सोच है, उसके जो अध्यवसाय है, वो आत्मा के अनुरूप चलेंगे, भगवान के वाणी के अनुरूप चलेंगे। आगे क्या होता है, ऐसी श्रद्धा से उसका संवेग और बढ़ता है। मतलब पहले उदासीनता आई संसार से, मोक्ष की इच्छा हुई, फिर श्रद्धा आई, और उस श्रद्धा से जैसे जैसे उन वो विचारों बार बार विचार करेगा तो वैसे वैसे उसको मोक्ष की और अधिक तीव्र अभिलाषा होती रहेगी। तो श्रद्धा होने से वापिस मोक्ष में जाने की उसकी उत्कंठा बढ़ती रहती है। जैसे कोई विद्यार्थी है या कोई व्यापारी है, जैसे जैसे उसको लाभ होता है वैसे वैसे उसकी वो धन कमाने की इच्छा बढ़ती जाती है, तीव्र होते जाती है। वैसे ही साधक की मोक्ष प्राप्त करने की अभिलाषा, उत्कंठा और तीव्र होती है। उससे क्या होता है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अनंतानुबंधी कोह क्रोध मान माया और लोभ को क्षय कर देगा, अर्थात क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेगा। क्षायिक समकित अर्थात वो ऐसी समकित है, ऐसा सम्यक दर्शन है जो एक बार आत्मा प्राप्त कर लेवे तो वापिस वो मिथ्यात्व में नहीं जाएगा। तो आगे फल उसका बताया कि क्षायिक समकित प्राप्त करने पर वो ऐसे कर्म नहीं बांधेगा जो एक मिथ्यात्वी जीव बांधता है। जैसे आप जानते हो कि सम्यक्त्व प्राप्त होने के बाद जीव सात बोलों का बंध नहीं करता है, जैसे नरक में नहीं जाता है, भवनपति वानवेंतर ज्योतिष में नहीं जाता है, स्त्री वेद और नपुंसक वेद का बंध नहीं करता है। तो जो बंध या जो कर्मों की तीव्रता पहले गुणस्थान में बनती है वो अब क्षायिक समकीति जीव वर्तमान में भी नहीं बांधेगा और भविष्य में भी नहीं बांधेगा, क्योंकि उसका आया हुआ सम्यक्त्व, प्रकट हुआ सम्यक्त्व अब बुझने वाला नहीं है, जाने वाला नहीं है। अब आगे क्या होता है, तो क्षायिक समकित हो गई, नए अशुभ कर्म नहीं बांधेगा जो मिथ्यात्व के योग्य है, और इस तरह से दर्शन की विशुद्धि करता हुआ, मतलब सम्यक दर्शन की आराधना करता हुआ, वो बहुत सारे ऐसे जीव है जो उसी भव से मोक्ष चले जाएंगे, और बहुत सारे ऐसे जीव है
जिनका अभी आयुष्य कम है और कर्म ज्यादा बाकी है वो वैमानिक देवगति में जाएंगे। और फिर आगे दिया कि ऐसे जीव जो वैमानिक देवगति में गए हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा मनुष्य के तीन भव करेंगे। तो तीन भव कैसे हुए? वर्तमान का उसका मनुष्य का भव जिसमें वो साधना कर रहा है, फिर दूसरा भव मान लो वो युगलिक में चला गया, फिर युगलिक से देवगति जाएगा और देवगति से वापिस मनुष्य बना, तो मनुष्य के मैक्सिमम तीन भव करता है। और बस इस तरह से तो दो फल बताए कि एक तो वो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, दूसरी बात नहीं मोक्ष में जावे तो वैमानिक स्थान देवगति में जाकर फिर अगले भव में मुक्ति को प्राप्त करेगा। इस तरह से पहला बोल हुआ संवेग, दूसरा है निर्वेद। हम प्रति ये सम्यक तो के अतिचार में भी बोलते हैं, सम संवेग निर्वेग अनुकंपा और आस्था। तो पहला बोल हुआ संवेग, दूसरा है निर्वेद। हे भगवान, निर्वेद से जीव को क्या लाभ होता है? तो भगवान ने फरमाया कि निर्वेद, अब निर्वेद का अर्थ होता है ये जो संसार है, ये जो परिवार है, धन है, मान सम्मान प्रतिष्ठा है, जो ये मेरा शरीर है जिसको मैं अभी मेरा मान रहा हूं, इन वस्तुओं पर से, इन बाह्य पदार्थों से उदासीनता आ जाना, उसमें अब अभिलाषा नहीं रहना, उसकी इच्छा नहीं रहना, भले ही वो मान लो श्रावक है तो संसार में रहेगा लेकिन वो उदासीन भाव से रहेगा, उसको कहते हैं निर्वेद। मतलब आरंभ परिग्रह से उदासीनता होना निर्वेद है। तो ऐसी उदासीनता से जीव को क्या लाभ होता है? तो अब जब वो उदासीन हो चुका है तो देव गति, मनुष्य गति और तिर्यंच गति संबंधी जो भी काम भोग है उससे वो निर्वेद को प्राप्त करता है। अर्थात अब उसमें उन काम भोगों में उसकी रुचि नहीं रहती, देव गति के काम भोगों में भी उसकी रुचि नहीं रहती है। भगवती सूत्र में तामली तापस का वर्णन आता है जहां पर उन्होंने अन्य धर्म की प्रवज्ञा स्वीकार करी और बेले के पारने बेले कर रहे हैं, 60,000 वर्षों तक इस तरह की आराधना करी, आतापना भी लेते हैं, तो देवगति के इंद्र मतलब चमरेंद्र मेरे ख्याल से नहीं चमरेंद्र नहीं बलेंद्र, बलेंद्र जो है भवनपति के इंद्र, उनका स्थान खाली था तो वे सामानिक देव इस धरती पर आए और तामली तापस को कहा कि आप निदान करो ताकि आप जो हमारा इंद्र का स्थान खाली है वो उसमें आप फिर इंद्र रूप में उत्पन्न होंगे। लेकिन तामली तापस को अब सच्ची श्रद्धा हो चुकी थी, धर्म और आचरण का फल वो समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने निदान नहीं किया। तो देव गति, सामने देवता है, उन देवताओं ने नाटक भी बताया है, देवगति दिव्य नाटक जो है वो भी बताया, लेकिन उनका मन उस देवगति संबंधी काम भोगों में आसक्त नहीं हुआ, विचलित नहीं हुआ, लेकिन फल आचरण का फल उनको मिला। अब वर्तमान में वो दूसरे देवलोक के इंद्र अर्थात ईशान इंद्र बने हुए हैं। तो जिसको काम भोगों से उदासीनता आ जाती है वो तीनों गति संबंधी काम भोगों से उदासीनता रखता है। और आगे जब काम भोगों से उदासीनता है तो आगे क्या होगा? सर्व विषयेषु विरज्जयी, सभी प्रकार के जो विषय है, पांच इंद्रियों के जो विषय है और छठा मन, अब इन विषयों में उसका मन नहीं लगता है, उससे वो अधिक से अधिक विरक्त होता रहता है, व्रतों में आता है, नियमों में आता है, श्रावक व्रत धारण करेगा और आगे चलकर साधु भी बनता है। सर्व विषयेषु विरज्जमाने, अब जब उसको विषयों की चाहना नहीं है कि भाई मुझे ये चाहिए वो चाहिए ये करना है, जब ऐसी इच्छा ही नहीं है तो आगे क्या है? आरंभ परिग्रह परिचायम करे, अब आरंभ और परिग्रह करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो आरंभ और परिग्रह का परिचायम चारों तरफ से मतलब अच्छी तरफ से समझ पूर्वक और अधिक मात्रा में उसका त्याग करता है। किसका त्याग करता है? आरंभ और परिग्रह का। और श्रावक का भी मनोरथ है, पहला मनोरथ कि वह दिन मेरा धन्य होगा जब आरंभ परिग्रह से निवृत्त होगा। तो हमारी निवृत्ति क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम पांच इंद्रियों के विषयों में फंसे हुए है, अटके हुए है। तो आरंभ परिग्रह कम करने का या विरक्त होने का एक माध्यम है कि हम पांच इंद्रियों के जो विषय
वर्तमान में जो भोगों के साधन है, काम भोगों के साधन है, उनसे हम पीछे हटे। और जितना ज्यादा भोगा जाएगा उतना अधिक पाप कर्म का बंध होगा और परिणाम स्वरूप जीव दुर्गति को प्राप्त कर लेगा। तो ये मनुष्य भोग मिला है, चिंतन कर सकते हैं, जिनवाणी भी मिली है, चिंतन करके हम विषयों से पीछे हटे, विकारों से पीछे हटे। अब आरंभ परिग्रह का त्याग कर वो उसका उसको उसका फल क्या मिलेगा, संसार मग्गम वोचिंदय, मतलब संसार का जो मार्ग है अर्थात चार गति में भ्रमण करने के जो कारण है आरंभ परिग्रह, अब वो भ्रमण नहीं करेगा, वोचिंदय काट देगा। जैसे पहले भी बताया कि सम्यक जीव 22 दंडकों को ताला लगा देता है, वो भ्रमण नहीं करेगा, तो संसार के मार्ग का छेदन कर देता है, बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। और आगे चलकर मतलब उसका फल है कि सिद्धि मगम परिवन्ने यह भवई, सिद्धि मार्ग मतलब मोक्ष के मार्ग पर वो स्थापित हो जाता है, मोक्ष के मार्ग को ग्रहण कर लेता है। मतलब अनादि काल से हमारा जो पुरुषार्थ है, हमारी जो मेहनत है, उस मेहनत ने हमको दुर्गति में ही पहुंचाया है, और दुर्गति अर्थात अनंत दुखों का स्थान। तो इस बात पर हमको श्रद्धा कर निर्वेद को और बढ़ाना है। आगे धर्म, तीसरा बोले धर्म श्रद्धा। धर्म श्रद्धा करने से जीव को क्या, कौन से फल की प्राप्ति होती है? तो भगवान फरमाते हैं, धर्म जिस व्यक्ति को धर्म के ऊपर श्रद्धा होती है वो साया सुखेसु रज्जमाने विरज्जयी। जो अभी तक उस जीव की साता वेदनीय कर्म के उदय में आसक्ति थी, मतलब साता साता में अच्छा लग रहा था, आनंद लग रहा था, मजा आ रहा था, अब वो विरज्जयी, अब आनंद नहीं आता है, अब उसको यह संसार खारा जहर लगता है, विष्टा लगता है। तो जो पहले आसक्ति थी अब वो आसक्ति घट चुकी है, वो आसक्ति पूरी तरह से मिट चुकी है, किसके फल स्वरूप, धर्म श्रद्धा के फल स्वरूप। आगे अब जब वो आसक्ति घट चुकी है, मिट चुकी है, अब वो संसार में नहीं रहेगा। तो आगे बताया, अगार धम्मम च नम चयई, मतलब श्रावक पने को छोड़कर वो साधु पने को अंगीकार करता है, वो साधु बन जाता है। साधु बनने से क्या लाभ होगा, तो आगे बताया कि शारीर मानसानम दुखानम क्षयन भयन कर, मतलब शरीर और मन संबंधी जो भी दुख है उन सभी दुखों का वो छेदन और भेदन कर देता है, या और संजोगायम ओचेम, अर्थात ऐसा समझ सकते हैं कि शरीर को होने वाले जो छेदन और भेदन के दुख है उसको वो क्षय कर देता है, और मन को होने वाला जो संयोग और वियोग का दुख है, जो मानसिक संताप है, उसका भी वो छेदन कर देता है। और छेदन कर आखिर फिर उसको क्या प्राप्त होगा, अव्याबाहम च सुहम निवत्तेई, मतलब अव्याबाद सुख की प्राप्ति करता है, अर्थात वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो पहली बात तो ये साता वेदनीय के उदय से जो भी अनुकूलताएं मिली है उसमें अब अटकना नहीं है। उदाहरण देख लेना आप, शालीभद्र जिनको सभी अनुकूलता थी लेकिन त्याग दिया, तो वैमानिक में गए हैं और अब आगे चलकर मोक्ष को भी प्राप्त करेंगे। उन्हीं के जो ये बेनोई या जीजा धन्ना, उनके पास भी सब कुछ था, पुण्यवानी श्रेष्ठ थी, भौतिक पुण्यवानी, फिर भी पुण्यवानी को ठोकर मारकर वे भगवान के मार्ग पर आगे चढ़े, ऐसे आगे चले हैं। वैसे बहुत सारे उदाहरण है, चक्रवर्ती है, 12 चक्रवर्तियों में से 10 चक्रवर्ती, चक्रवर्ती 10 चक्रवर्तियों ने चक्रवर्ती पद का त्याग किया, साता को छोड़ा, और आगे चलकर वे शरीर और मन रूपी सभी दुखों का छेदन कर मुक्ति को प्राप्त कर गए। लेकिन 2 चक्रवर्तियों ने नहीं छोड़ा, तो आज वर्तमान में वे दोनों नरक में हैं और शरीर और मन संबंधी दुखों का वेदन कर रहे हैं, दुखों को भोग रहे हैं। ये होगी तीसरा बोल धर्म श्रद्धा, इसमें दीक्षा लेने का बताया है। फिर चौथा है, गुरु और साधर्मिक की सेवा करने से जीव को क्या लाभ होता है। गुरु मतलब गुरु भगवंत,
चाहे वो आचार्य तीर्थंकर भगवंत, आचार्य उपाध्याय या साधु, और साधर्मिक मतलब समान धर्म वाला, समान श्रद्धा वाला, अर्थात जो जिन शासन में है वो साधर्मिक है। तो एक अपेक्षा से साधु भी हमारे साधर्मिक है और श्रावक भी हमारे साधर्मिक है। तो उससे जीव को क्या लाभ होता है? सुसुसनाए मतलब सेवा करने से विनय की प्राप्ति होती है। विनय आए बिना सेवा नहीं की जा सकती, और जितना अधिक वो सेवा करता है उससे उसको विनय की प्राप्ति होती है। अहंकार दलता है, विनय की प्राप्ति होती है। विनय की प्राप्ति होने पर वो अनच्छा सायन सिले, मतलब विनय आने पर अब वो आशातना नहीं करेगा, अब उसके भाव आशातना वाले नहीं रहते हैं, वो अनच्छा सायन सिले मतलब अन आशातना वाला हो जाता है। किसके फल स्वरूप? विनय के फल स्वरूप। तो हमारे जीवन में यत किंचित जो भी अगर गुरु भगवंतों की आशातना हो रही है तो उसका कारण एक है कि हमें विनय अभी तक जितना प्रकट होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। तो जितना अधिक विनय प्रकट होगा उससे गुरु भगवंतों की या साधर्मिकियों की आशातना नहीं होगी। प्रतिगमन में भी हम बोलते हैं 33 प्रकार की आशातना की हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। अब आशातना नहीं करने वाला जीव क्या हो, उसको क्या फल की प्राप्ति होती है? चार गति जो दुर्गति बताई है अपेक्षा से, नरक और तिर्यंच तो दुर्गति है, मनुष्य और देवगति में भी जो हल्के स्थान है उसको दुर्गति में लिया हुआ है। तो ये दुर्गति के स्थान को निरुम्भई मतलब अब वो उन स्थानों को प्राप्त नहीं करेगा, उसका वो छेदन कर देगा, निर्जरा कर देगा। और फिर आगे बताया कि जो भक्ति करेगा, बहुमान करेगा, गुणों की प्रशंसा करेगा, तो ऐसा करने से वो साधक मनुष्य और देवगति जो सदगति है, जहां पर धर्म किया जा सकता है, जहां पर अच्छी जाति अच्छा कुल प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे स्थानों को प्राप्त करता है। क्या करने से? वैया ये सेवा करने से और विनय करने से। अब आगे तीसरा फल है कि सिद्धि मार्ग को वो विशुद्ध करता है, मतलब मोक्ष मार्ग को विशुद्ध करता है। तो जितना अधिक हम में विनय होगा उतना अधिक हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होते रहता है। मतलब वर्तमान में अगर मोक्ष नहीं हुआ, मोक्ष नहीं होने वाला पंचम आ रहा है, तो आगे हम सदगति को प्राप्त करेंगे, चाहे वो देवगति हो या मनुष्य गति हो, और उतना ही नहीं हम मोक्ष मार्ग को भी आगे चलकर अंगीकार करेंगे, अर्थात दीक्षा ग्रहण करेंगे और शुद्ध तरीके से उसको पालन करके मुक्ति को प्राप्त करेंगे। मतलब एक एक बोल कितना लाभ देता है इस जीव को। कोई भी बोल ले लो, सभी बोलों में एक ही बात है, अशुभ को कट करता है, शुभ को दिलाता है और अंतिम में मुक्ति को प्रदान करता है, सिद्धत्व को प्राप्त कराता है। फिर आगे दिया कि विनय की प्राप्ति से उसके सभी कार्य जो भी करने योग्य है, करने योग्य कार्य क्या है? मोक्ष मार्ग में जो भी सहायक है, अर्थात सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र तप और वीर्य, सम्यक वीर्य, वो सब जो मोक्ष मार्ग है उसको, वे सभी कार्य वो करता है, उसमें उसको सफलता प्राप्त होती है। और आगे दिया के उस साधक के विनय प्रतिपत्ति को देखकर, सेवा और शुश्रूषा को देखकर बहुत सारे दूसरे जीवों को भी विनय की प्राप्ति होती है, क्योंकि बाकी अन्य लोग भी जब उस व्यक्ति के विनय शुश्रूषा को देखेंगे तो अन्य लोग भी चिंतन करेंगे और उससे उनको भी विनय की प्राप्ति होती है उनके गुणों की प्रशंसा करके। तो इस तरह से हमारा ये तीसरा बोल हुआ। पहला बोल है संवेग, दूसरा बोल है निर्वेद, तीसरा बोल है धर्म श्रद्धा, और चौथा बोल है गुरु और साधर्मिक की शुश्रूषा मतलब सेवा करना। अब आगे आलोचना, अच्छा इसमें जो चौथा बोल है गुरु भगवंतों की शुश्रूषा, तो सेवा करना अर्थात मात्र वैयावृत्य करना ऐसा नहीं है, और अर्थ लिए इसके गुरु भगवंतों के प्रवचन सुनने की मतलब व्याख्यान सुनने की और शास्त्र वाचन सुनने की इच्छा रखने वाला भी शुश्रूषा करता है।
गुरु भगवंत जो आज्ञा फरमाते हैं उस आज्ञा का पालन करने की इच्छा रखने वाला भी और आज्ञा पालन करने वाला भी वो शुश्रूषा कहलाती है। मतलब सिर्फ सेवा करना, मतलब आहार लाकर दिया या जो काम थे वो सब काम कर लिए, सेवा कर ली, वो तो वैयावृत्त है ही, शुश्रूषा है ही, साथ ही साथ आज्ञा का पालन और उनके वचन को शिरोधार्य करने की इच्छा रखने वाला शुश्रूषा कहलाता है। पांचवा बोल है, पांचवा, छठा और सातवा। पांचवा है आलोचना, छठा है निंदा और सातवा है गरहा। आलोचना, निंदा और गरहा। आलोचना के दो अर्थ ले सकते हैं, आलोचन मतलब लोचन, देखना, मेरे अवगुणों को देखना, मेरे दोषों को देखना, एक अर्थ। दूसरा अर्थ है जो मैंने दोष देखे हुए उसको गुरु के सामने प्रकट करना, बड़े योग्य व्यक्ति के सामने प्रकट करना, उसको कहते हैं आलोचना। तो इस तरह से दोषों को देखकर प्रकट करने वाले को क्या लाभ होता है, तो भगवान ने बताया कि जो तीन शल्य है, माया शल्य, निदान शल्य और माया निदान और मिथ्या दर्शन शल्य, ये जो तीन शल्य है, ये शल्य क्या करते हैं, इन शल्यों के कारण मोक्ष मार्ग में विघ्न उत्पन्न होता है और उस जीव का अनंत संसार बढ़ता है तीन शल्यों के कारण। तो आलोचना करने वाला उन तीन शल्यों को काट देता है जिसके कारण से फिर उसका मोक्ष मार्ग में विघ्न नहीं होता है और उसका अनंत संसार भी नहीं बढ़ेगा। और आलोचना करने के लिए उतनी लघुता आनी चाहिए, माया रहेगी तो आलोचना नहीं कर पाएगा, निदान अगर निदान करने की इच्छा है तो भी आलोचना नहीं कर पाएगा, जैसे सुकुमालिका आदि है। और मिथ्या दर्शन, मिथ्यात्वी रहेगा, सही समझ नहीं रहेगी तो भी वो आलोचना नहीं कर पाएगा, भगवान की वाणी के ऊपर श्रद्धा नहीं है तो सम्यक आचरण अर्थात आलोचन नहीं कर पाएगा। तो तीनों शल्यों को काटकर वो आगे वो रुजु भाव को प्राप्त करता है, मतलब वो सरल भाव को प्राप्त करता है। इसी उत्तरायण सूत्र में तीसरे अध्ययन में दिया है, धम्मो शुद्धस्य चित्तैः, धर्म किसके जीवन में स्थिर रहता है, जो सरल है, जो शुद्ध है। तो सरल अर्थात सिर्फ सरलता नहीं लेना, गुरु भगवान ने फरमाया कि सरल अर्थात 18 जिसके जीवन में 18 ही पापों का त्याग है उसको हम सरल कहेंगे। क्योंकि अगर कोई ऐसा है कि भाई देखो हम पाप तो करते हैं लेकिन हम छुपाते नहीं है, जो है हमारा जीवन खुला है, लेकिन भगवान इस तरह की प्ररूपना नहीं करते हैं। भगवान ने सिर्फ माया को पाप नहीं कहा है, भगवान ने 18 ही स्थानों को पाप कहा है। तो सरलता अर्थात 18 ही पापों का त्याग, तो यहाँ पर वो उज्जु भाव मतलब सरलता को प्राप्त करता है और सरल होने से वो अब अमाई हुआ है, मतलब 18 पाप से विरत हुआ है, सम्यक्त्वी है, इसलिए वो स्त्री संबंधी और नपुंसक संबंधी कोई कर्म का बंधन नहीं करेगा। कर्म ग्रंथ में आया हुआ है कि नपुंसक वेद का बंध पहले गुणस्थान में होता है और स्त्री वेद का बंध पहले और दूसरे गुणस्थान में होता है। सम्यक्त्व आने के बाद स्त्री का बंध और नपुंसक का बंध नहीं होता है। जैसे मल्लीनाथ भगवान, मल्ली भगवती ने जो माया करी थी तपस्या संबंधी, तो उस माया के भाव से वो छठे सातवें गुणस्थान से उतर कर पहले गुणस्थान में आ गए थे और पहले गुणस्थान में आने के बाद उन्होंने निकाचित स्त्री का बंध किया और फिर वापिस आलोचना करके छठे सातवें में गए और फिर जयंत विमान में गए और आगे चलकर वे स्त्री बने। जो पहले गुणस्थान में उन्होंने बांधा था वो उदय में आया। तो सम्यक्त्वी जीव जो है वो स्त्री और नपुंसक संबंधी बंध नहीं करता है और पूर्व में अगर बांधे है, बांधे तो है, पूर्व में बांधे हुए को भी वो निर्जरा करता है। तो इतना फल आलोचना से भगवान फरमाते हैं। हम गौतम स्वामी को भी इसमें समझ सकते हैं कि किस आनंद श्रावक का जो घटना है उसमें सरलता पूर्वक किस तरह से गौतम स्वामी ने आलोचना करी है वहां पर भगवान महावीर स्वामी के शरण में। अब छठा बोल है निंदा। निंदा मतलब मेरे गुणों को देखकर
पश्चाताप करना, अवगुणों को देखकर, मिच्छामि दुक्कड़म, मेरे अवगुणों को देखकर, मेरे दोषों को देखकर, उन दोषों के प्रति घृणा होना, पश्चाताप करना, अपने आप को गलत समझना, उन किए हुए कार्यों को नहीं करने योग्य समझना, उसको कहते हैं निंदा। निंदा करने से जीव को क्या लाभ होगा? उसको पश्चाताप उत्पन्न होता है। पश्चाताप मतलब पापों की विशुद्धि होगी। पश्चाताप से वो वैराग्य भाव को प्राप्त होता है। देखो, निंदा ये छोटा सा बोल है, निंदा छोटी सी क्रिया है, लेकिन उसका फल क्या होगा? विरज्य माने मतलब वो वैराग्य को प्राप्त करता है। जितना ज्यादा वो अपने अवगुणों को कोसेगा, उतना ज्यादा उसका वैराग्य भाव बढ़ता है, आत्मा शुद्ध होते जाती है, और उस वैराग्य भाव से वो शपक श्रेणी भी चढ़ता है, और शपक श्रेणी चढ़ेगा तो ऐसा अनगार शपक श्रेणी चढ़ता हुआ नवे और दसवें गुणस्थान में मोहनीय कर्म को क्षय कर देता है, और तेरहवें गुणस्थान में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। मतलब निंदा यह छोटा बोल नहीं है। इसमें हम मुर्गावती जी का उदाहरण ले सकते हैं, किस तरह से चंदन बालाजी ने उपालम दिया था और मृगावती जी ने अपने, मतलब ऐसा नहीं देखा कि चंदन बालाजी इतना भी नहीं समझते, ऐसा था, ऐसी परिस्थिति थी, वो कुछ विचार नहीं, विचार सिर्फ अपने दोषों का किया, और हार्दिक पश्चाताप करते करते मृगावती जी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई निंदा करने से। सातवां बोल है गरहा। गरहा अर्थात अपने जो दोष है या व्रतों में लगे अतिचार है, अवगुण है, उनको समाज के सामने प्रकट करना, या फिर कोई अन्य व्यक्तियों की साक्षी से गुरु के सामने प्रकट करना, मतलब खुलासा कर देना कि मेरे से ये गलती हुई है, मैंने ये गलत कार्य किया है, नहीं करना था लेकिन अमुक परिस्थिति थी, मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं रहा, या फिर मैं कमजोर पड़ गया, या परिस्थिति के कारण दोषों का सेवन करना पड़ा। इस तरह से वो गुरु के समक्ष पंच की साक्षी से, या संघ की साक्षी से, या किसी बड़े श्रावकों की साक्षी से गुरु के समक्ष गरहा करता है, दोषों को प्रकट करता है। तो इस तरह करने से जीव को क्या लाभ होता है? अपूरक कारम जनई। मतलब देखो, जीव को लगता है कि भाई लोग मेरा नाम ले, जीव को मुझे लगता है कि लोग मुझे क्या कहे कि ये गुणी है, ये इसमें गुण है, इसमें दोष नहीं है, ऐसी इच्छा रहती है। लेकिन अगर मेरी ये इच्छा रहेगी तो फिर मैं किसी के सामने मेरे दोषों को प्रकट नहीं कर पाऊंगा। तो दोषों को प्रकट करने के लिए अपुरकार भावम, मतलब ये जो मेरे भाव है कि लोग मुझे अच्छा कहे, उन भावों से मुझे पीछे हटना होगा, तभी जाकर मैं गरहा कर पाऊंगा, दोषों को प्रकट कर पाऊंगा। और इस तरह से, मतलब इसका अर्थ किया के मैं जब विचार करता हूं कि लोग मेरा नाम ले तो आत्म श्लाघा, तो आत्म श्लाघा नहीं रहनी चाहिए, आत्म नम्रता रहनी चाहिए। जब आत्म नम्रता रहेगी तब गुणों को प्रकट किया, अवगुणों को प्रकट किया जाएगा। तो अपुरकार भाव होने से आगे क्या होता है? उसके जो भी अशुभ योग है, अशुभ मन, अशुभ वचन और अशुभ काया, इन अशुभ योगों से वो निवृत्त होकर, मतलब जो भी पाप किया, जो भी दोष लगाए, अब उन दोषों से निवृत्त होता है, और आगे चलकर पसत्थ योग, मतलब प्रशस्त मन वचन और काया रूपी योगों में आगे बढ़कर वो अनंत घाई पज्जवे खवेई। मतलब जो कर्म केवल ज्ञान, केवल दर्शन, क्षायिक संकित आदि को का नाश करने वाले हैं, ऐसे कर्मों की वो निर्जरा कर देता है। मतलब ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय आदि कर्मों की वो निर्जरा करता है। मतलब एक एक बोल अपने आप में मोक्ष दिलाने की ताकत रखता है। देखो, अभी तक हमारे सात बोल हुए, सात बोल में कहीं पर भी ये नहीं आया कि भगवान धन प्राप्ति से जीव को क्या लाभ होता है, भगवान महंगी गाड़ी लेने से, या ब्रांडेड गाड़ी या ब्रांडेड कपड़े लेने से, या घूमने फिरने से जीव को क्या लाभ होता है। आगे भी हम देखेंगे, 73 क्वेश्चन है आगे, आप देख लेना, कहीं आया तो आप मुझे बता देना, अभी तक तो नहीं आया है। मतलब वे बोल इसमें आए ही नहीं जिसके पीछे हम अनादि काल से पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम अनादि काल से भागदौड़ कर रहे हैं,
वो बोल इस 73 क्वेश्चंस में कहीं पर भी नहीं आए हुए हैं। आठवां प्रश्न है, अब आगे चलेगा प्रतिक्रमण के जो हमारे छह मतलब आवश्यक सूत्र के जो हमारे छह आवश्यक है, पहला सामायिक, दूजा चौबीस सत्तव, तीजी वंदना, वे छह बोल चलेंगे। तो आठवां बोले सामायिक। सामायिक से जीव को क्या फल कौन से फल की प्राप्ति होती है? भगवान ने फरमाया सामायिक से जीव को सावध्य योगों से वो विरत हो जाता है। सावध्य जोग विरहिम जनयी, मतलब सावध्य, सावध्य अर्थात 18 पापोस्थान का सेवन, 18 या 17 पाप का सेवन करना सावध्य कहलाता है। सवध्य, वध्य मतलब हनन करना, हिंसा करना, जो हम इच्छा करना के पाठ में बोलते अभ्यया वत्या लेसिया संगाया, वे सब बोल वध्य में लेना। तो जहां पर सामायिक की जाएगी वहां पर ये वध नहीं होगा, पापों का सेवन नहीं होगा। तो सामायिक में 18 ही पापों का त्याग किया जाता है, तो वो सावध्य योग से विरत हो जाता है। ये हो गया सामायिक का फल। सामायिक का अर्थ क्या है? सामायिक मतलब समभाव। भगवती सूत्र में भगवान ने फरमाया आत्मा ही सामायिक है, सामायिक ही आत्मा है। तो आत्म भाव में रमन करना, आत्मा क्या है इसका चिंतन करना, उसको पहचानना, ये सामायिक कहलाती है। सुख में दुख में समभाव रखना, मान अपमान में समभाव रखना, जन्म मरण में समभाव रखना, सुख दुख में समभाव रखना, ये सामायिक कहलाती है। तो हम जो भी आराधना करते हैं, जो भी है, सामायिक से लेकर प्रतिक्रमण, संवर, पौषध, ज्ञान ध्यान, स्वाध्याय, थोकड़ा, उसका फल सामायिक है, उसका फल संभाव है। तो जीवन में जो भी प्रसंग आए, जो भी परिस्थिति आए, अशुभ कर्मों के कारण से प्रतिकूलता मिलती है और शुभ कर्मों के कारण से अनुकूलता मिलती है। हमें ना ही प्रतिकूलता में, जैसे मेरी भावना, ना ही मुझे प्रतिकूलता में परेशान होना है और ना ही अनुकूलता में फूलना है। तो समभाव रखना है, ज्ञाता दृष्टा बनना है। आगे है चौबीस सत्तव, मतलब लोगस, चौबीस सत्तव, 24 तीर्थंकरों का स्तवन करने से या तीर्थंकरों का गुणगान करने से जीव को क्या लाभ होता है? भगवान फरमाते हैं दर्शन की विशुद्धि होती है। मोक्ष मार्ग का बेस या फाउंडेशन है सम्यक दर्शन। तो उसकी प्राप्ति और विशुद्धि कैसे होगी? जिन्होंने उस मार्ग, जो उस मार्ग पर चले हैं, जिन्होंने उस मार्ग का प्रतिपादन किया है, ऐसे गुणवान महापुरुषों का, गुणों का चिंतन करने से, स्मरण करने से हमारे सम्यक दर्शन की विशुद्धि होगी। तो हमारे पास 24 सत्व अर्थात लोगस्य का पाठ है, चतुर्विंशति स्तव जिसको कहते हैं, जिसमें 24 तीर्थंकरों के नाम और उनके गुणों का वर्णन आया हुआ है। उसमें हम कहते हैं आरोग्य बोही लाभम, तो मुझे किस बात की प्राप्ति हो? आरोग्य, आरोग्य अर्थात आरोग्य का अर्थ है, पहला अर्थ है कि कर्म के उदय में संभाव रहू, और दूसरा अर्थ है कर्म को क्षय कर दू, शुद्ध आत्मा बन जाऊ, ये है आरोग्य। और बोही लाभ अर्थात बोधि की प्राप्ति हो, मतलब सच्ची श्रद्धा की प्राप्ति हो। तो लोगस्य, अब जो भी लोगस्य का जाप करे, लोगस्य फेरे, लोगस्य का ध्यान करे, तो लक्ष्य क्या होना चाहिए, फल क्या मिल रहा है? मेरे सम्यक दर्शन की विशुद्धि हो रही है, ना कि देवी देवताओं को बुलाने के लिए लोगस्य फेरना है, और ना ही मेरा संसार का कार्य को सफल करने के लिए मुझे लोगस्य या नमोत्थनम या कोई भी गाथा या सूत्र फेरना है। एकमात्र आत्म का या मोक्ष का लक्ष्य रखकर ही आराधना करनी है। तो लोगस्य से दर्शन की विशुद्धि होती है। तीसरा बोल है वंदना। वंदना करने से जीव को क्या लाभ होता है? तो भगवान ने पांच लाभ बताए हैं। नीच गोत्र का क्षय होता है, नीच गोत्र का जो कर्म है उसका क्षय होता है, उच्च गोत्र का बंध होता है, फिर सोहगम मतलब सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सौभाग्य अर्थात चाहे जो वो कुछ करे उसको कार्य में, वो जो कार्य करेगा उसमें उसको सफलता मिलेगी, सभी लोग उसको अच्छा मानेंगे, उसको सौभाग्य कहते हैं। फिर अपरिहयम अनाफलम निवत्ते, अप्रतिहत
आज्ञा फल की प्राप्ति होती है, मतलब जो भी वो आज्ञा करेगा, निर्देश करेगा, लोग उसको मानेंगे, लोग उसका आदर करेंगे, उसके वाक्य का, उसकी आज्ञा का, उसको कहते हैं अपरिहेम अनाफलम। अब मान लो मैं भावों से ये सब वंदन आदि तो कर रहा हूं, लेकिन जो भगवान ने फल यहाँ पर बताया वो मुझे नजर नहीं आ रहा है या अनुभव में नहीं आ रहा है, तो क्यों नहीं आता है कि पीछे जो अशुभ कर्म बांधे है उसका अभी उदय चल रहा है, और अभी वर्तमान में शुभ योग और शुभ कार्य करके, धर्म आराधना करके जो पुण्यवानी या निर्जरा की है उसका फल मुझे आगे भविष्य में मिलेगा, भले इस भव में मिले या अगले भव में मिले। फिर पांचवा है दाक्षिण्य भाव। दाक्षिण्य भाव भाव अर्थात सभी लोगों में वो प्रिय पात्र होता है, सभी को वो प्रिय लगता है, अच्छा लगता है। तो वंदना के ये फल बताए हैं, वंदना तीन प्रकार की है, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। मथैन वंदामी जघन्य वंदना है, तिकुत्तो के पाठ से मध्यम वंदना है, और प्रतिगमन में जो ये तीसरा आवश्यक है वो उत्कृष्ट वंदना, इच्छामि खमासमनो वंद्युम जवनी जय आदि उत्कृष्ट वंदना है। फिर चौथा है प्रतिक्रमण, मतलब ग्यारहवा बोल है प्रतिक्रमण करने से जीव को क्या लाभ होता है। तो जब हम प्रतिक्रमण करते हैं उसमें चौथा आवश्यक है प्रतिक्रमण, उसका नाम प्रतिक्रमण है। तो प्रतिक्रमण, जो भी मैंने व्रतों में अतिक्रमण किया हुआ है, अतिचार लगाया हुए है, उससे मुझे पीछे हटना है, उन अतिचारों की विशुद्धि करनी है। तो प्रतिक्रमण जो जीव करता है उसको लिए हुए व्रतों में जो छिद्र हो गए, जो अतिचार रूप छिद्र हुए, अब उन छिद्रों को बंद कर देता है। छिद्रों को बंद करता हुआ वो आश्रव द्वारों का भी निरोध कर देता है, मतलब अब वो व्रतों में अतिचार नहीं करेगा, भाव वाला होता है। फिर आगे चलकर और लाभ है असबल चरित्र, मतलब वो शुद्ध चरित्र वाला होता है। जो हम प्रतिगमन में 33 बोल में बोलते हैं के सबल दोष है, 21 आए सबले हिम, 21 प्रकार के बड़े बड़े दोष बताए हैं, उन दोषों का सेवन नहीं करता है। तो जितना ज्यादा, इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा हम क्वांटिटी में प्रतिक्रमण करेंगे, मतलब रोज करेंगे, उभय काल करेंगे, और जितना ज्यादा भावों से करेंगे उतना ज्यादा हम पापों से पीछे हटते हैं। तो जब पाप करने का प्रसंग आता है उससे हम पीछे हटेंगे, पाप नहीं करेंगे, क्योंकि प्रतिक्रमण करते समय मैं ये निश्चय कर रहा हूं कि अरे मैंने क्या पाप किया, ये मेरे व्रतों में अतिचार कैसे लग गए, व्रत नहीं लिया हुआ था मान लो लेकिन फिर भी पाप तो किया, तो मेरी आत्मा को मैं धिक्कारता हूं, तो भविष्य में वे अवगुण मेरी आत्मा से दूर हटते हैं। आगे बताया कि अष्ट प्रवचन माता में वो उपयोग वाला होता है, खास तो साधु की बात है, पांच समिति तीन गुप्ती श्रावक को भी लागू किया जाता है, श्रावक भी अपने स्तर पर पांच समिति और तीन गुप्ति का पालन कर सकता है। तो ऐसा साधु पांच समिति और तीन गुप्ति का में उपयोग वाला होता है, मतलब अब उन पांच समिति तीन गुप्ति में भी दोष नहीं लगाएगा, अच्छी तरह से संयम का पालन करेगा और बस सुसमाधि बंत होकर विचरण करेगा। मतलब भगवान स्पष्ट बता रहे हैं कि संयम में ही सुसमाधि है, संसार के भोगों में समाधि आना अशक्य है। तीन काल में कभी ऐसा नहीं होगा कि संसार में रहकर भोग भोगता हुआ जीव को समाधि आ जावे, संभाव आ जावे। संभाव की प्राप्ति और समाधि की प्राप्ति कहाँ होगी, सुख की प्राप्ति कहाँ होगी, संयम और उसके फल स्वरूप मोक्ष में ही होगी। आगे पांचवा है हमारा आवश्यक कायोत्सर्ग। तो बारहवा बोल है कायोत्सर्ग करने से जीव को क्या प्राप्ति होती, प्रतिक्रमण कर लिया, जो अतिचार लगे थे उसकी भी विशुद्धि हो गई, कर ली। अब कायोत्सर्ग में हम चार लोगस्य, बारह लोगस्य, जो भी लोगस्य काया को स्थिर करके लोगस्य का स्मरण करते हैं, उसमें हम ये एक प्रकार का प्रायश्चित है कि जो मुझे अतिचार लग गए होंगे उसका मैं प्रायश्चित करता हूँ, शरीर और मन को स्थिर करके, वचन को स्थिर करके। तो उससे जीव को क्या लाभ होता है, तिय पड़ुपन्नम पाय चित्तम विसोई, भूतकाल और वर्तमान काल में लगे हुए दोषों की विशुद्धि हो जाती है, और इस तरह से विशुद्ध हुआ वो निवूय हिये, मतलब एक मिनट, हाँ, निवृत्त हृदय वाला, शांत चित्त वाला, वो उसका चित्त शांत हो जाता है। किस तरह से, तो उदाहरण दिया कि जिस तरह से भार को वहन करने वाला, खंधे के ऊपर भार को वहन करने वाला
जो व्यक्ति है वो जिस तरह से उस भार को उठाकर नीचे रखता है और उसको शांति की प्राप्ति होती है, उस तरह से शांति, शीतलीभूत आनंद कौशक के बाद होता है और आगे भी उसको वो आनंद प्राप्त होते रहता है, क्योंकि वो बार बार कौशक करता है, वो बार बार अतिचारों की शुद्धि करता है, तो वो निरंतर वो समाधिवान रहता है, आनंद में रहता है, चित्त की शांति होती है। तो इस तरह से भार को नीचे रखकर वो पसत्त ध्यानो वगैरह, प्रशस्त ध्यान वाला होता है। तो जितना ज्यादा कौशक करेगा, कौशक में वो गुणों का स्मरण करता है, आत्मा की आलोचना करता है, तो कौशक पारने के बाद भी उसके मन में अशुभ भाव नहीं आएंगे, और आ भी गए तो वो तुरंत वापिस प्रायश्चित कर विशुद्ध होता है। तो कौशक करने से जीव को प्रशस्त ध्यान की प्राप्ति होती है और सुहम सुहेनम दिए रही, इस तरह से वो सुख पूर्वक विचरण करता है। श्रावकों के लिए भी उठने के बाद चार लोगों से का ध्यान करे, सोने के पहले चार लोगों से का ध्यान करे, ताकि सोने के पहले जो भगवान का स्मरण किया है, हमारे आत्मा के अध्यवसाय परिणाम और कुछ स्वप्न भी आ जावे तो उस तरह से हमारा वो चिंतन निद्रा में भी चलता रहे। उठने के बाद काय सर्ग करे कि भाई मुझे अब अधिक पाप नहीं करना है, अनादि काल से पाप किए जा रहा हूं, सुख और शांति नहीं मिल रही है। वर्तमान में जो भी हमको लगता है कि भाई मैं आनंद में हूं, वो तो सिर्फ पौद्गलिक सुख है, वो भी भगवान कहते वो भ्रम है, वो एक्चुअल सुख नहीं है, क्योंकि जितना सुख वर्तमान में भोगा जा रहा है उससे कई गुना ज्यादा भविष्य में उसी के फलस्वरूप भविष्य में दुख के पहाड़ खड़े हो रहे हैं। खणमित्त सुखा बहुकाल दुखा, तो इस तरह से चिंतन करना चाहिए। आगे है थवत हुई मंगल। अब प्रतिगमन होने के बाद हम पाठ बोलते हैं थवत हुई मंगल, मतलब स्तव और स्तुति करने से जीव को क्या लाभ होता है, अर्थात इसमें नमोथुनम का पाठ लिया हुआ है। तो इससे जीव को ज्ञान, दर्शन और चारित्र की प्राप्ति होती है, मतलब उसका लाभ होता है, बोधि लाभ होता है। ज्ञान, दर्शन और चारित्र, लोगस्य का स्मरण किया था उसमें भी ज्ञान, दर्शन, चारित्र की प्राप्ति हुई, लेकिन मुख्य रूप से दर्शन की प्राप्ति हुई, विशुद्धि हुई। नमोत्थुनम में, थवत हुई मंगलम में ज्ञान, दर्शन, चारित्र तीनों का बोधि लाभ हुआ। लोगस्य और नमोत्थुनम, मतलब स्तव और स्तुति में अर्थ मतलब क्या अर्थ किया है, स्तव अर्थात तीन श्लोक तक, एक श्लोक से लेकर सात श्लोक तक उसको स्तव कहा है, और सात श्लोक से आगे स्तुति करे, मतलब गाथा बढ़ जावे, तो उसको स्तुति कहा है, स्तव स्तुति। तो उससे अधिक लाभ हुआ क्योंकि और ज्यादा गुणों का स्मरण किया। लोगस्य में पाठ गाथा कम है, नमोत्थुनम में अधिक है, तो इस तरह से भेद करके जितना ज्यादा हम गुणवानों का स्मरण करेंगे उतना ज्यादा हमारी आत्मा में भी गुण बढ़ते जाते हैं। अब ज्ञान, दर्शन, चारित्र की बोधि लाभ प्राप्त होने पर आगे क्या होता है, उसका फल दिया कि अंत किरियम, मतलब वो मोक्ष को प्राप्त कर देगा, वो क्षपक श्रेणी चढ़कर केवल ज्ञान प्राप्त कर मुक्ति को प्राप्त कर जाएगा। और मान लो कि कर्म शेष है, आयुष्य कम है उसके पास और कर्म बहुत ज्यादा है, तो वो कप्प विमान वो वत्तियम, कल्प विमानों में अर्थात पहले देवलोक से लेकर पांच अनुत्तर तक उन ऐसे स्थानों पर वो उत्पन्न होगा और आगे चलकर वापिस मनुष्य बनकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो इतना फल एक नमोत्थुनम के पाठ का है, लेकिन जो भी हम करेंगे वो एकमात्र मोक्ष के लक्ष्य को रखकर करना है। संसार और पुद्गल के लक्ष्य को रखकर करेंगे कदाचित पुण्यवाणी से मिल भी जाएगा, लेकिन मिल भी जाएगा, लेकिन उससे आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा। अब इसमें एक रह गया था हमारा प्रत्याख्यान, जो आवश्यक प्रतिक्रमण है, छह आवश्यक है। तो प्रत्याख्यान, जीव को प्रत्याख्यान से जीव को क्या लाभ होता है। तो प्रत्याख्यान अर्थात हम व्रत लेते हैं, नियम लेते हैं जिससे मेरे पाप रुक जाएंगे। तो भगवान ने कहा कि आसव दाराइम निरुम्बई, आश्रव जो है उसके द्वार को वो बंद कर देता है। मैंने मान लो कि आज पचकान लिया कि मुझे उपवास करना है,
तो उपासलिया मतलब जो असलम पानम खाइमम साइमम संबंधी जो भी पाप हो रहा है उसकी क्रिया और पाप मुझे नहीं लगेगा। तो जितना ज्यादा पचकान लिया जाएगा उतने ज्यादा आश्रव के द्वार बंद होते हैं। मान लो दो व्यक्ति है, एक ने उपवास किया और पूरा संसार के कार्य चालू है, दूसरा व्यक्ति है उपवास तो नहीं किया लेकिन सुबह से लेकर 2400 घंटे दया कर ली, आहार किया उसने, खाना पिएगा, वो खाएगा पिएगा लेकिन दया कर ली। और तीसरा व्यक्ति है जिसने उपवास भी किया और पोषण भी कर लिया, तो गुरु भगवान फरमाते हैं कि पहले व्यक्ति को थोड़ा कम लाभ है, लाभ तो है लेकिन उससे ज्यादा दूसरे व्यक्ति को लाभ है, उससे ज्यादा तीसरे व्यक्ति को लाभ है, अपेक्षा से ऐसा कहा जाता है। क्योंकि जो संवर लेता है, पौषध लेता है, सामयिक लेता है, उसके वे सभी आश्रव के द्वार बंद हो जाते हैं। आगे क्या होता है, पचकान लेने से इच्छा का निरोध हो जाता है। अब उपवास लेने के बाद मान लो सामने कोई मन पसंद चीज आ गई, या किसी कारण से हम हमारे परिवार वालों के सगे संबंधियों के यहाँ फंक्शन में चले गए, लो अन्य व्यक्ति बाकी के लोग खा रहे हैं लेकिन क्योंकि मेरे पचकान है तो मुझे वो खाने के विचार भी नहीं आएंगे। कब नहीं आएंगे, अगर मैं लिए हुए पचकान को अच्छी तरह से पाल रहा हूं। पहले ही बताया सदामी पतियामी रोएमी फासेमी पालेमी अनुपालेमी, तो फिर मुझे उस आहार के संबंधी कोई भी इच्छा नहीं होगी, इच्छा निरोहम जनई, इसलिए पचकान का महत्व बताया हुआ है। आगे ऐसा करने से वो सब दव्यसु विनिय तन्हे सी भूये वियरई। इस विश्व में मान लो कोई साधु बन गया, श्रावक तो थोड़े पचकान है थोड़े नहीं है, साधु बन गया, सभी तरह के पचकान ले लिए, सावधदेव का पूरा त्याग कर दिया। अब ऐसे साधु को इस विश्व में रहे हुए सभी द्रव्यों के प्रति अब कोई आसक्ति रहती ही नहीं है, इच्छा रहती ही नहीं है, वो शीतलीभूत हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, अब कोई विचार ही नहीं है इन द्रव्यों के प्रति, ना आहार के प्रति, ना गाड़ी के प्रति, बंगले के प्रति, वस्त्र के प्रति, तो पचकान का ये लाभ होता है। तो हम भी जितना अधिक से अधिक प्रत्याख्यान लेंगे हमारे आश्रव द्वार भी कम होंगे और हमारी इच्छाएं समाप्त होते जाएगी। इच्छा को कंट्रोल करने का या निग्रह करने का एक ही माध्यम है प्रत्याख्यान। फिर आगे वाला बोल स्तुति मंगल नमोत्थुनम, वो हमने देख लिया। उसके आगे है काल पड़ी लेहनायनम बनते जीवे किंजने। काल का प्रतिलेखन करने से, प्रतिलेखन मतलब अच्छी तरह से चारों तरफ से देखना, किसको देखना, काल को देखना, मतलब कौन से टाइम पर कौन सी क्रिया करनी चाहिए। जैसे हमने समाचारी नाम का अध्ययन भी देखा था, तो सुबह क्या करना है, पहले प्रहर में क्या करना है, गोचरी का समय क्या है, काले कालम समय अरे दशवें कालिक में कहा है, आचारंग में भी कहा है कि योग्य काल पर योग्य नहीं आचारंग में कहा है कि कालज्ञ जो काल को जानता है, साधु जो है वो कालज्ञ होता है, काल को जानने वाला। रात्रि के पहले प्रहर में क्या करना है, प्रतिक्रमण कब करना है, प्रतिलेखना कब करना है, तो इस तरह से काल को जानने वाला होता है, उसको क्या फल की प्राप्ति होती है, उसका ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है। मतलब बुद्धि लगाने पर, उपयोग पूर्वक कार्य करने पर, समझ पूर्वक कार्य करने पर ज्ञानावरणीय खपता है। तो हम भी हमारे जीवन में जो भी कार्य करें समझ पूर्वक करें, कब क्या करना है। संसार के बात कार्यों की बातें नहीं है, ये तो हमें लगेगा कि भाई ऑफिस में कब जाना है टाइम फिक्स है, फिर घर पे कब आना है और खाना कब है टाइम फिक्स है, फिर घूमने कब जाना है टाइम फिक्स है, महीने में एक बार जाना है, महीने में दो बार जाना है। भगवान इस संसार के कार्यों की बात नहीं कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग के जो भी कार्य है उसकी बात कर रहे हैं। तो वो साधु होगा और नहीं तो पौषध में रहा हुआ या सामयिक में रहा हुआ श्रावक होगा। ऐसा करने पर उसके ज्ञानावरणीय का क्षय होता है। आगे प्रायश्चित करने पर जीव को क्या फल की प्राप्ति होती है। तो प्रायश्चित करने पर जो भी उसने पाप किए थे उसी का तो प्रायश्चित कर रहा है, जो दोष लगाए थे उसी का वो प्रायश्चित कर रहा है, उसको गलत मान रहा है, उसको स्वीकार कर रहा है, तो इससे जो उसने पाप किए है उसकी विशुद्धि हो जाती है। अर्जुन माली ले लो आप, अर्जुन माली ने जो भी पाप किया
अब भगवान की वाणी सुनकर स्वीकार कर लिया कि हाँ ये मैंने गलत किया था, भगवान के चरणों में समर्पित हो गए। फिर जब पारने के लिए निकलते थे तो लोग जो भी प्रतिकार कर रहे थे करते थे, उनको मालूम था अर्जुन माली को कि मैंने ही ये कार्य, ये गलत कार्य किए हैं, अब मुझे स्वीकार्य है और उसी के फलस्वरूप ये प्रवृत्ति हो रही है, तो मुझे समभावों से सहन करना है। तो ऐसा करने से उनको केवल ज्ञान भी हो गया, भगवान के पहले मोक्ष चले गए, तो पाप कर्म की विशुद्धि हो जाती है। ऐसा इस तरह से वो निरअतिचार उसका चरित्र हो जाता है और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र की विशुद्धि कर वो अंत में मुक्ति को प्राप्त करता है, जैसे अर्जुन मालिका आपको बताया। आगे है क्षमापना। खमत कामना करने से जीव को क्या लाभ होता है? खमत कामना अर्थात मैं भी सामने वाले को क्षमाता हूं और सामने वाला मुझे क्षमा करे, इस तरह से मैं क्षमा की याचना भी कर रहा हूं। तो दोनों तरफ से क्षमा देना और क्षमा की याचना करना। तो खमत कामना करने वाला उसका अंतर मन जो है वो आह्लाद को प्राप्त करेगा, आनंद को प्राप्त करेगा, शांति को प्राप्त करेगा, क्योंकि जो भी खिटपिट थी, जो भी गलत प्रवृत्ति हो गई थी, जो भी मन में राग द्वेष और ईर्ष्या थी, अब उसको वो उसको स्वीकार कर उसको सॉरी बोल रहा है, वो मिच्छामी दुक्कड़म बोल रहा है, क्षमा रहा है और क्षमा भी मांग रहा है, तो चित्त में आह्लाद उत्पन्न होता है। आह्लाद उत्पन्न होने पर सर्व प्राण भूत जीव और सत्व, मतलब सभी प्रकार के जीवों से उसकी मैत्री भाव होती है। जब मन में, अंतर मन में कपट नहीं रहेगा, सरलता रहेगी, दोष को स्वीकारेगा और प्रकट कर मिच्छामी दुक्कड़म दे देगा, तो सभी किसी भी जीव के प्रति फिर वैर भाव नहीं रहेगा। गलती होती है, गलती हो गई, स्वीकार कर लिया, तो इस तरह से सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव होकर भाव विसोहिम काउन निभय भवे, उसके भाव विशुद्ध हो जाते हैं, प्रशस्त ध्यान वाला बन जाता है। आगे बस अभी हम छह बोल लेंगे स्वाध्याय के, जो छह प्रकार है स्वाध्याय, फिर वाचना, प्रतिपूचना आदि छह बोल। अब 18वां बोल है, स्वाध्याय करने से जीव को क्या लाभ होता है? स्वाध्याय का अर्थ है स्व का अध्ययन, आत्मगुणों का चिंतन, भगवान की वाणी का चिंतन, भगवान की वाणी का स्मरण करना, वो है स्वाध्याय। जिससे आत्मा ऊंची उठे वो है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय से जीव को क्या लाभ होता है? उसका ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है। ठीक है, तो स्वाध्याय करने से ज्ञानावरणीय का क्षय होगा। आगे वाचना। अब स्वाध्याय में आप ले सकते हैं कि जो मूल पाठ है उसका अध्ययन करना और थोकड़े जो है उसका भी अध्ययन करना, वो भी स्वाध्याय कहलाता है। थोकड़े फेरना वो भी स्वाध्याय कहलाता है। वाचना, वाचना मतलब एक तो खुद पढ़ना या दूसरों को पढ़ाना या फिर गुरु भगवंतों से वाचनी लेना, वो वाचना कहलाता है। तो वाचना से जीव को क्या लाभ होता है? भगवान कहते हैं कर्मों की निर्जरा होती है, आयुष्य कर्म छोड़कर बाकी सात कर्मों की निर्जरा होती है। वाचना लेने से वो श्रुत की आशातना नहीं करता है और श्रुत की आशातना नहीं करता हुआ वह तीर्थ धर्म का को अवलंबन देता है। मतलब ये जो तीर्थ है, भगवान का जो तीर्थ है, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, या फिर भगवान का तीर्थ अर्थात ये जो श्रुत ज्ञान है, या गंधर्व की जो परंपरा है, गंधर्व भगवंतों ने जो आगम की रचना करी है, उसको आगे बढ़ाने में वो अवलंब देता है। स्वाध्याय करेगा, याद रखेगा, वाचना देगा, ज्ञान ध्यान आगे शिष्य को देगा, खुद पढ़ेगा, तो इस तरह से परंपरा से वह श्रुत ज्ञान उत्तर आगे आगे चलता रहेगा। जिस तरह से भगवान ने गंधर्वों को दी, सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी को दी, जम्बू स्वामी ने प्रभो स्वामी को दी, और आगे चलते चलते आज इन महापुरुषों की कृपा है कि हम तक यह श्रुत ज्ञान पहुंचा हुआ है। और इस तरह से ये वाचना करता हुआ और ये फल प्राप्त करता हुआ उसको महानिर्जरा और महापर्यवसान होता है। निर्जरा मतलब कर्मों की निर्जरा,
और महापर्यवसान मतलब जो जन्म मरण है उसको वो काट देता है, कम कर देता है। तो थोड़े कर्मों की निर्जरा और बहुत कर्मों की निर्जरा, इस तरह का अर्थ भी ले सकते हैं, या फिर कर्मों की निर्जरा और जन्म मरण जो भव है उसको कम करना, उसको कहते हैं महापर्यवसान। इस तरह से अब आगे का बोल है पड़ी पूछना है, स्वाध्याय वाचना प्रति पूछना। प्रति पूछना से जीव को क्या लाभ होता है, मतलब जो भी मैंने स्वाध्याय किया, पढ़ा, वाचनी ली, उसमें अगर कोई शंका उत्पन्न हो जावे या आगे और कुछ पूछना है तो ऐसा करने से क्या लाभ होता है, सूत्र अर्थ और तदुभय इसकी विशुद्धि होती है। सूत्र मतलब मूल पाठ, अर्थ मतलब उसका भावार्थ, और तदुभय मतलब सम्यक प्रकार से सूत्र और उसका अर्थ, कौन से सूत्र का किस जगह पर क्या अर्थ होना चाहिए उसको कहते हैं तदुभय। या फिर एक और अर्थ किया है, सूत्र मतलब 12 अंग, सूत्र अर्थ मतलब 12 उपांग या अन्य और कोई आगम, और तदुभय मतलब अन्य आचार्यों के द्वारा रचित ग्रंथ, इस तरह का भी अर्थ किया हुआ है, तो उसकी विशुद्धि करता है और ऐसा करता हुआ कांक्षा मोहनीय कर्म का भी छेदन करता है, निर्जरा करता है। कांक्षा मोहनीय में सब लेना है, शंका, ऐसे कर्म जो आगे चलकर शंका, कांक्षा, निर्वितिकिच्छा, अमूढ़ दृष्ट, ये पर पाखंडी प्रशंसा, पर पाखंडी संस्तव में मुझे आगे लेकर जाएगा, ऐसे कर्मों का वो छेदन करता है, मतलब इन शॉर्ट मिथ्यात्व मोहनीय का छेदन करता है। आगे है पर्यटनाएं, मतलब स्वाध्याय को फेरने से, जो मैंने याद किया हुआ है सुबह उठकर उसको फेरना, या शाम को प्रतिक्रमण के बाद उसको फेरना, या रात्रि जागरना करना है तो उसको फेरना, थोकड़े हो या स्वाध्याय हो, उससे जीव को क्या लाभ होता है, तो भगवान कहते हैं कि जो याद किया हुआ है वो एक तो याद रहेगा, भूलेगा नहीं, और ज्यादा जितना फेरेगा अर्थ में वो और गहरा उतरेगा तो उसको लब्धि भी प्राप्त होगी। कौन सी लब्धि, तो याद दिया है कि एक अक्षर पढ़कर या सुनकर उसको अनेक अक्षरों का ज्ञान हो जावे, या फिर एक पद पढ़कर या सुनकर अनेक पदों का ज्ञान हो जावे। क्षयक्षम ऐसा हो जाता है कि कोई भी प्रसंग पर, चाहे वाद विवाद हो, तर्क वितर्क हो, वो उत्तर दे देता है। तो इस तरह की लब्धि भी बार बार, अनेकों बार स्वाध्याय और थोकड़े फेरने से होती है। गहन अर्थ, भगवान किस जगह पर क्या अर्थ कहना चाह रहे हैं उसके वो भी वो जान पाता है। आगे है अनुप्रेक्षा से, बस दो बोल लेंगे हम, और अनुपेक्षा और धर्मकथा, और 5 मिनट लगेगा। अनुप्रेक्षा से, अनुप्रेक्षा मतलब चिंतन करना, जो मुझे, जो भी ये आगम है स्वाध्याय और थोकड़े, जो भगवान की वाणी है उसके ऊपर चिंतन करने से, 12 भावनाओं का चिंतन करने से, धर्म ध्यान के जो पाए है उसका चिंतन करने से, भगवान की क्या आज्ञा है, इस लोक का क्या स्वरूप है, कर्मों का क्या स्वरूप है, इसका चिंतन करने से जीव को क्या लाभ होता है, बहुत सुंदर लाभ बताया कि जो 8 कर्म है उन 8 कर्मों में से आयुष्य कर्म को छोड़कर बाकी के जो 7 कर्म है, वे कर्म अगर बहुत गाढ़ बांधे हुए है, ठीक है, बहुत गाढ़ बांधे हुए है तो उसको वो शिथिल करता है, लंबे समय के बांधे हुए है अशुभ कर्म तो उसको कम स्थिति वाला करता है, बहुत तीव्र रस वाले, मतलब बहुत पावरफुल रस वाले बांधे हुए है अशुभ कर्म तो उसको मंद रस वाला करता है, और बहुत क्वांटिटी में बांधे हुए है तो उसकी क्वांटिटी, उसके प्रदेश वो कम करता है। 4 फल हो गए कर्म संबंधी, 7 कर्म संबंधी, फिर जो आयुष्य को छोड़ा था वो आयुष्य कर्म कदाचित बांधता है, कदाचित नहीं बांधता है, क्योंकि आयुष्य कर्म तो निरंतर बनता नहीं, पूरे जीवन में एक ही बार बांधेगा, इसलिए कदाचित बांधेगा, कदाचित नहीं बांधेगा, और असाता वेदनीय कर्म बार बार नहीं बांधेगा, ऊंचे गुणस्थानों में तो बांधता ही नहीं, और जब वो 6ठे गुणस्थान में भी है तो बार बार असाता वेदनीय कर्म नहीं बांधेगा, किससे, अनुपेक्षा करने से। तो हम भी, हमारे जीवन में समय मिला, टाइम है, तो जितने ज्यादा अनुप्रेक्षा करेंगे हम 7 को बांधेंगे और
असाता को बार बार नहीं बांधेंगे। आगे और बहुत सुंदर फल अनायम च अनवयगम। ये जो अनादि और अनंत संसार है, जो समुद्र के समान है, गहरा है, जो फॉरेस्ट के समान है, ठीक है, जो दीर्घ काल वाला है, ऐसे संसार रूपी कांतार, मतलब संसार रूपी वन, संसार रूपी फॉरेस्ट को वो शीघ्र ही खपा देता है, उस श्रृंखला को वो तोड़ देता है। खिप्पामेव मतलब शीघ्र ही वो तोड़ देता है। अनुप्रेक्षा से ये लाभ होता है। इसके लिए हमारे पास उदाहरण लेना है तो प्रसन्न चंद्र राजर्षि जो है, पहले किस तरह से उनके विचार चल रहे थे और बाद में विचार बदले, तो वहीं पर उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति भी हो गई। और आखिरी 23वां बोल है धर्म कथा। धर्म कथा लास्ट लिया है, पहले भूमिका मतलब पहले इतनी तैयारी करना है, स्वाध्याय करना है, फिर वाचनी लेना है, फिर उसको प्रश्न पूछकर अर्थ को स्थिर करना है, फिर बार बार फेरना है ताकि अशुद्धता नहीं रहे, और फिर अनुप्रेक्षा करना है, चिंतन करना है कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं और मेरे जीवन में उतरना चाहिए। और जीवन में उतरने के बाद यत किंचित जितना भी उतरा है, साधु भगवंतों के तो पूरी तरह से जीवन में उतरा हुआ है, और श्रावक के यत किंचित यथा योग्य जीवन का जीवन में वो आचरण करता है, फिर ऐसा साधक धर्म कथा करता है। धर्म कथा मतलब भगवान की वाणी का व्याख्यान रूप में प्रचार प्रसार करता है। तो इससे जीव को क्या फल होता की प्राप्ति होती है, कर्मों की निर्जरा होती है, सात कर्मों की निर्जरा होगी। और आगे धर्म कथा करने से वो ये जो जीन आज्ञा है, जो श्रुत ज्ञान है, जो प्रवचन है, उसकी प्रभावना करता है। तो हम व्यवहार समकी के 67 बोल, उसमें भी प्रभावना 8वें बोले प्रभावना 8, उसमें 8 प्रकार से किस तरह से प्रभावना की जाती है उसका वर्णन दिया है, उसका वर्णन दिया हुआ है। तो उन माध्यम से वो प्रवचन की मतलब जिन शासन की प्रभावना करता है, इससे क्या होता है, बहुत सुंदर लाभ है। आगमिष्यस्य बद्धताये कम्मम निबन्धयि, भविष्य काल में मतलब आगे भद्र कर्म बांधता है, मतलब ऐसे कर्मों का बंधन होगा कि वो उस जीव को भविष्य में संसार में नहीं अटकाएगा, संसार में नहीं फंसाएगा। जैसे शालीभद्र मुनि धर्म कार्य पिछले भाव में किया था, जो साधु भगवंत को वेरा बोराया था, फलस्वरूप संपत्ति आदि मिली, पेटियां भी आती थी, लेकिन शुद्ध भावना थी, कोई पश्चाताप नहीं था, तो फल स्वरूप कर्म ऐसे हल्के बांधे थे और भद्र कर्म बांधे थे कि इतना होने के बावजूद ठोकर मारकर चले गए, उसको बोलते हैं भद्रताए कम्मम। ठीक है, तो इस तरह से कर्म मतलब ऐसा नहीं कि संसार में है तो और पुण्यवानी है, धन दौलत है तो अन्य कोई पुण्यवानी के कार्य करे, वो कार्य भी नहीं, धन है, धन पाप है, धन को छोड़ दिया और दीक्षा ले ली, उसको कहते हैं भद्रताए कम्मम, ऐसे कर्म वो बांधता है। वज्र स्वामी आदि भी उदाहरण है, इस तरह के कर्म वो बांधता है। तो इस तरह से हमारा अभी 73 क्वेश्चंस में से 23 क्वेश्चंस पूरे होते हैं। ठीक है, आज यही तक रखते हैं, फिर आगे आने वाले सेशंस में हम आगे के क्वेश्चंस लेंगे। भगवान की वाणी के विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। सभी को खमत खामना, कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है? जय जिनेन्द्र आदर्श भाई। जय जिनेन्द्र। एक प्रश्न था कि जो फोर्थ क्वेश्चन है, गुरु सहाम्या सुसुनिया, उसका है विनय पडिवत्तिम जनियई। ठीक है, विनय की प्राप्ति होती है गुरु और साधर्मियों की सेवा करने से, ये तो बात समझ आती है, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है ना कि गुरु भगवंतों ने हमें 1 घंटा सेवा करवाई, उसका क्या तात्पर्य हुआ? सेवा, हाँ, गुरु भगवंत ने हमको 1 घंटा सेवा करवाई, हम महाराज साहब के पास जाते हैं, बैठते हैं, तो व्यवहार में कहते हैं ना, मतलब वो ये है कि मैंने गुरु भगवंतों की सेवा करी, लेकिन हम व्यवहार में तो ऐसा बोलते हैं ना, गुरु भगवंतों ने हमें सेवा करवाई, व्यवहार में ऐसा ही कहते हैं ना?
करवाई का अर्थ है कि मेरे मतलब उतना समय दिया कि उन उस टाइम में मैंने उनकी सेवा करी, उन्होंने हमारी सेवा नहीं करी। अच्छा ओके, उसका अर्थ ये लेना कि मैंने उनकी सेवा करी। अच्छा ओके। और दूसरा प्रश्न, जैसे कहा जाता है कि नवकारसी करते हैं तो 100 साल के नारकी के अशुभ कर्म कटते हैं, अगर किसी जीव ने नारकी का बंध ही नहीं करा तो वो कैसे अप्लाई होगा? नहीं, अभी कर्म ग्रंथ में आया हुआ है कि सभी जीव के नरक तो नहीं, नरक गति नाम कर्म जो है वो लगभग जीव के सत्ता में रहता है। बहुत कम जीव ऐसे है जिसके सत्ता में नरक गति नाम कर्म नहीं रहता, बाकी नरक गति नाम कर्म और नरक संबंधी जो कर्म है वो रहता ही है। और नहीं भी रहे किसी जीव के सत्ता में वे कर्म नहीं है, क्योंकि भूतकाल में बांधा हुआ है, ठीक है, तो रहेगा। और नहीं है मान लो किसी कारण से, तो अन्य जो अशुभ कर्म है उसकी निर्जरा होती है और नई पुण्यवाणी का बंध होता है। और जो भी वहां दिया है कि नवकारसी से 100 वर्ष, तो वो सिर्फ एक संकेत मात्र है, बाकी तो सिर्फ 100 वर्ष नहीं, अनंत अनंत कर्म वहां पर खप जाते हैं। एक नवकारसी से भावपूर्वक नवकारसी करे तो केवल ज्ञान की प्राप्ति भी हो सकती है, सब भावों के ऊपर डिपेंड होता है। ओके। और अशुभ कर्म आत्मा में सत्ता में हमेशा रहते ही है। तेरावे सत्ता में तो 13वें गुणस्थान तक अशुभ कर्म है, तो पर नरक के ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं नरक के नहीं, अभी मुझे जहां तक याद है सिर्फ तिरंच गति नाम कर्म शाश्वत है, नरक मनुष्य और देव गति ये शाश्वत नहीं है, लेकिन ये बहुत कम जीव है इतना मुझे याद है लगभग। शाश्वत का मीनिंग क्या हुआ, तिरंच शाश्वत है ऐसा क्या मतलब? मतलब जितने भी जीव है संसारी जीव उनकी आत्मा में तिरंच गति नाम कर्म तो मिलेगा ही, उन्होंने बांध कर ही रखा है नियम। मोक्ष होने के पहले और शायद मुझे इतना याद आ रहा है कि मान लो अभी हम मनुष्य है, तो मनुष्य की अगर बात करें तो मनुष्य में तो चारों गति शाश्वत हो सकती है, चारों गति नाम कर्म, अब मुझे याद नहीं है ऐसा कुछ कंसेप्ट है उसमें। नहीं कर्म रहेंगे नहीं तो मोक्ष ही हो जाएगा ना, कर्म है इसीलिए मोक्ष नहीं होना। बहुत सारे ना 158 टाइप्स ऑफ कर्म है, तो कुछ कुछ कर्म शाश्वत है कुछ अशाश्वत है ऐसा भी वर्णन आता है। ध्रुव सत्ता अध्रुव सत्ता ऐसा वर्णन आता है। संकेत के बाद तिरंज गति मिलती है क्या, मिल सकती है क्या अगर संकेत प्राप्त हो गया उसके बाद? मान लो किसी जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई है, अब सम्यक्त्व के हाजिरी में मतलब जब तक सम्यक्त्व है उसको तब तक वो नरक तिरंचो और मनुष्य गति का बंध नहीं करेगा। अगर हम मनुष्य की बात कर रहे हैं तो वो भवनपति वेंतर ज्योतिष का भी बंध नहीं करेगा, वो वैमानिक का ही बंध करेगा। लेकिन मान लो सम्यक्त्व आ गई और वापिस सम्यक्त्व चली गई और वो पहले गुणस्थान में आ गया तो फिर वो चारों गति का बंध कर सकता है। लेकिन जैसे हमने पहले बोल में देखा शायिक संकित आ गई तो उसकी वो क्षयिक संकेत कभी नहीं जाएगी, फिर वो नरक आदि में नहीं जाएगा। आपने बोला कि संकेत होने के बाद स्त्री वेद नपुंसक वेद नहीं होता, तो मलिना भगवान तो स्त्री थे तो वो थोड़ा हाँ उसमें क्या हुआ था, पहला जो भव जैसे बताया अभी उस भव में उन्होंने माया करी, पहले गुणस्थान में आए, निकाचित स्त्री का बंद कर लिया, बहुत गाढ़ा बंद करा। फिर उसके बाद में उन्होंने आलोचना मतलब प्रायश्चित भी किया, आलोचना करी, लेकिन जो स्त्री बंध बांधा स्त्री कर्म बांधा हुआ था वो खपा नहीं, वो सत्ता में रहा आत्मा में, ठीक है। फिर अगले भव में जब वो अनुत्तर में गए जयंत विमान में, अब तो वो पुरुष है वहां पर देव है और नियमा संकिति है, चौथे गुणस्थान में है। चौथे गुणस्थान में कोई भी जीव स्त्री का बंध नहीं करेगा, तो उन्होंने भी स्त्री का नया बंध नहीं किया, भूतकाल में जो बांधकर स्टॉक में रखा था आयुष्य बांधते समय, मल्ली भगवती का आयुष्य बांधते समय उस स्त्री नाम स्त्री वेद को स्त्री नाम कर्म को मिक्स कर लिया उसमें, फिर अगले भव में वो स्त्री हो गए, लेकिन चौथे गुणस्थान में उन्होंने नया नहीं बांधा। तो ये उदाहरण मिलता है, तो ऐसा होता है।
थैंक यू। और कोई प्रश्न? क्या इनके कुछ उदाहरण देंगे क्या? किसके? ज्ञान वर्णीय 15 बोल में आया ज्ञान वर्णीय कर्म। हाँ हाँ। का क्या होता है स्वाध्याय काल के ज्ञान से, तो इनके कोई उदाहरण देंगे जैसे ज्ञान वर्णीय कर्म क्या चीज है? नहीं, ज्ञानवर्णीय मतलब 8 कर्म है। हाँ हाँ। उसमें से एक कर्म है ज्ञानवर्णीय, जो हमारे आत्मा का मूल स्वभाव है केवल ज्ञान या ज्ञान। उस मूल स्वभाव को जो कर्म आच्छादित करता है, रोकता है, ढक देता है, उसको ज्ञानवर्णीय कर्म कहते हैं। तो आलसी प्रतिलेखना करने से वो जो कर्म है उसका वो क्षय करता है, मतलब उसका फिर क्षयोक्षम बढ़ेगा, उसका ज्ञान बढ़ेगा। हो सकता है ज्ञान के समझ गया, ज्ञान के ऊपर जो छल्ली आ जाती है उसको वो दूर करता है, उसको दूर करता है। तो जितना ज्यादा दूर होगा उसका ज्ञान मति श्रुत अवधि मन पर ज्ञान बढ़ता जाएगा, आगे चलकर केवल ज्ञान भी हो सकता है। मंगलिक सेवा देगा। हाँ ठीक है सर। मंगलिक, गुरु भगवंतों की कृपा से, बड़ो की आज्ञा से, चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगुतमा, अरिहंता लोगुतमा, सिद्धा लोगुतमा, साहू लोगुतमा, केवली पनत्तो धम्मो लोगुतमो, चत्तारी शरणम पवज्जामी, अरिहंते शरणम पवज्जामी, सिद्धे शरणम पवज्जामी, साहू शरणम पवज्जामी, केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामी। ये चार शरणा, दुर्गति हरना, सुगति करना और न शरण कोई होय, भव्य प्राणी करे आराधन, अक्षय अमर पद हो। सभी को जय जिनेन्द्र खमत। जय जिनेन्द्र। थैंक यू आदर्श। हर संडे होती